स्वागत है ज्ञापन एकेडमी के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास टेंथ में देखिए मैट्रिक के एग्जाम हो, मैथ का एग्जाम हो और ग्राफ नहीं पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी कि बार बार पूछता है और ग्राफ बच्चा कोई कोई छोड़ के चलाता है। ग्राफ का एक कॉपी मिलता है, उसमें मतलब सबको मिलेगा और उसमें एग्जाम में ये बनाना होता है जो बहुत आसान होता है। यहाँ देखिएगा ग्राफ जो भी है ये पूरा का पूरा पहले हम ग्राफ बना दिए और यहाँ क्वेश्चन ऐसे देगा। अब क्वेश्चन देख के गड़बड़ हो जाता है कि बनाए कैसे, तो पहले लिखने का तरीका समझिएगा। पहले समीकरण एक को सॉल्व करते हैं। किसको करते हैं? समीकरण एक को। क्या लिखेंगे यहाँ देखिए, आराम से लिखना है समीकरण एक से, यही हमको लिखना है। और समीकरण एक लिखना है माइनस ये 5y इज इक्वल टू 20। अब देखिए x का मान अपने से जो जी में आए वो भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान अधिकतर जीरो भर जाता है। अगर x का मान आप जीरो भरिएगा, क्या भरिएगा? जीरो। तो चलिए हम भरते हैं 4 × 0 माइनस 5y बराबर 20। जीरो में 4 से गुणा करेंगे तो इसका कहानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बच गया 5y बराबर 20। ये 5 × 20 हो गया, y बराबर ये माइनस है ना, माइनस में 4 हो गया। यानी एक डब्बा यहाँ बॉक्स बना लीजिएगा ऐसे, ठीक। क्योंकि एग्जामिनर जितना खूबसूरत देखेगा उतना अच्छा से नंबर देगा, उसको समझ में नहीं आएगा आपको नंबर समझ में नहीं आएगा। यहाँ देखिए जब x का मान बाबू जीरो भरेगा तो y बराबर क्या निकलेगा, निकला है माइनस 4। अब एक बार x जीरो भरे ना तो एक बार y जीरो भरिए। देखिए यहाँ पे इसी समीकरण में 4x माइनस 5, एक बार y बराबर जब जीरो भरिएगा तो यहाँ जीरो हो जाएगा, बराबर में 20 है। 4x ये जीरो से गुणा होगा तो जीरो हो जाएगा, यहाँ 20 कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20, x बराबर हो जाएगा 5। यानी कि जब हम y का मान भरे जीरो तो x बराबर क्या मिला, 5। समीकरण एक से बस इतना काफ़ी है। बहुत लोग लंबा ऐसे खींच देता है, बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो ये क्या करते हैं, लंबा बहुत सारा बनाते हैं। ग्राफ खींचने के लिए 2 वैल्यू काफ़ी होता है, ठीक है। समीकरण 2 में यही काम करेंगे हम, सेम टू सेम बाबू यही काम करेंगे। देखिएगा यहाँ लिखिए समीकरण 2 से, क्या लिखिए, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 5y बराबर में है 15। अब फिर एक बार x का मान जीरो भरिए तो y निकलेगा, एक बार y का मान जीरो भरिएगा तो x निकलेगा। वैसे हम जीरो भर रहे हैं, आपको जो जी में आए ठीक है वो अंक भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोच समझ के भरिएगा, अगर अंक भरिएगा तो इधर भेजना पड़ेगा, फिर इसको कटाना पड़ेगा, हो सकता है पॉइंट में आ जाए। कोशिश किया जाता है कि नंबर पॉइंट में नहीं है, अगर पॉइंट में आएगा ना थोड़ा बहुत इसमें भरने में आपको परेशानी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ हम x का मान क्या भरेंगे, जीरो। तो जब यहाँ x का जीरो भरेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, 3 × 0 और प्लस 5y बराबर में 15। ये जीरो से गुणा करेंगे ये खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 5y बराबर 15, 5 × 15 y बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। यानी कि जब हम x का मान जीरो भरे तो y का मान क्या निकला है, यहां देखिए y का मान 3 निकला है। एक और बॉक्स बनाइए, एक और बॉक्स बनाइए यहां पे, और बनाने के बाद यहाँ लिखिए x, यहाँ लिखिए y। जब x का मान आप 0 रखे थे तो y का मान निकला था 3। अब भरिए फिर यहाँ y का मान 0। समीकरण 2 में किसका मान 0 भरिए, y बराबर अब 0 भरिए। जब हम y का मान 0 भरेंगे तो देखिए क्या निकलता है, 3x प्लस 5 × जहाँ y है वहाँ क्या भर देंगे, 0 बराबर 15, ठीक है। 3x ये तो 0 हो जाएगा, गुणा होगा तो 15, 3 × 5 = 15, x बराबर क्या बच गया, 5। यानी जब हम y 0 भरे थे तो x वाला क्या आ गया, 5। बस इतना कर दिया ना, 5 नंबर इतना में नहीं मिलेगा। अब ये चीज का ग्राफ खींच रहा है हमको, ग्राफ खींचते कैसे, तो x का मान 0, x और y यहाँ 0 होता है और y का मान क्या, माइनस में 4, तो y वाला ये होता है तो माइनस में 4। यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट थोड़ा सा कर दीजिएगा। फिर x बराबर 5, x वाला ये प्लस वाला 5 और y बराबर क्या है, 0। अब ध्यान से देखिए, एक यहां केंद्र से सेंटर से एक बाहर इधर निकला है लाइन और एक पॉइंट इधर बना है, तो दोनों बना है ना, बस इस पॉइंट को आपको मिला देना है। क्या करना है, इस पॉइंट को मिला देना है, ठीक। ऐसे खींच दीजिएगा, देखिए ये लाइन खींचा गया ना, ये लाइन किससे बना था, किस समीकरण से, जब हम इस समीकरण को सॉल्व किए थे ना तो ये वाला डब्बा बना था, ये वाला डब्बा बना था जो कि लाइन खींचा। तो इस समीकरण को इस लाइन पर हम लोग लिख देते हैं, क्या करते हैं, इस समीकरण को लाइन पर लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, 4x माइनस 5y बराबर क्या, 20। और इसका क्या नाम है वो भी लिख देते हैं, x बराबर 0, 0 कमा माइनस 4 था ये, ठीक। और ये क्या था, तो 5 कमा 0 था, ये सब लिख देते हैं। सेम टू सेम यही काम इसमें करेंगे, x का मान 0 तो y का मान 3, फिर उसके बाद से x का मान 5
और y का मान कितना है, जीरो। तो एक यहां निकला, फिर एक इसी पॉइंट पर मिला, तो देखिए तो इस लाइन को मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, ये लाइन कटा कि नहीं, एक दूसरे को ग्राफ काटी ना, तो जब एक दूसरे को काटी तो इस ग्राफ, इस लाइन का समीकरण क्या था, तो इस लाइन का समीकरण सेकेंड नंबर वाला था, यानी 3x + 5y = 15। ठीक, इसका नाम क्या है, तो 0.3 है, 0.3। इसका नाम क्या है, तो 5.0। ठीक है, ये दोनों सेम है, एक ही बार लिखिए। तो ये रहा आपका ग्राफ जो मैट्रिक के एग्जाम में 14 तारीख वैलेंटाइन, ये दिमाग में बैठा लीजिए, आपको बढ़िया से मैथमेटिक्स का एग्जाम देना है। एक बार मैथमेटिक्स का खराब हो गया ना, मम्मी और पापा मिलके आपका वैलेंटाइन डे बढ़िया से निकाल देंगे। तो ये दिमाग में रखिए, ग्राफ, ये वाला ग्राफ आपसे पूछेगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे होता कितना, 3×5=15 हुआ था। ये वाला ग्राफ आपको पूछेगा, बाबू ये रट लीजिए इसको, इस टाइप का, एक जगह जीरो भरना है समीकरण एक में, दूसरा निकलेगा, दूसरे को जीरो भरना है, ये फर्स्ट वाला निकलेगा, सेम यही काम करना है और ले जाके ग्राफ भर देना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, समझिएगा इसको ध्यान से। भिन्न वाला क्वेश्चन बड़ा पूछता है, लड़का इस क्वेश्चन को छोड़ देता है, अथवा के चक्कर में लग जाता है, पता चला कि अथवा अथवा करते करते कोई अथवा बचा ही नहीं, सिर्फ अथवा आप ही बच जाएंगे। यहां समझिएगा भिन्न का मतलब होता क्या, भिन्न माने होता है बट्टा। हम लोग जैसे बट्टा का जोड़ सीखते हैं ना, तो हम लोग सुन लिए हैं कि बट्टा का जोड़ सीखते हैं, कभी सुने हैं भिन्न का जोड़ सीखते हैं, बच्चा को भारी लगता है। भिन्न और बट्टा दोनों एक ही चीज होता है। यहां कह रहा है कोई भिन्न है, कोई भी बट्टा सोच लीजिए, मन में आपको जो आए वो बट्टा सोच लीजिए, उस बट्टा के अंश और हर, कुछ देर के लिए मान लीजिए कि हम कोई बट्टा सोच लिए, एक्स और वाई ही मान लेते हैं, तो ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। अब कह रहा है भिन्न के अंश और हर में दो जोड़ दिया जाए, तो अंश हर यही ना है, इसमें क्या बोल रहा है, दोनों में दो जोड़ दिया जाए, तो क्या बन जाता है, 1/2 हो जाता है, तो बराबर में लिख दीजिए 1/2, हो गया बात खत्म। उसके बाद बोल रहा है कि अंश और हर में 7 घटा लिया जाए, तो अंश हर यही ना था, इसमें क्या घटा लेना है, दोनों में 7 घटा लेना है, तो क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। अब इससे समीकरण 1 बनेगा, इससे 2 बनेगा, सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा समीकरण 1, 2। तो यहां देखिए, लेकिन उसके लिए हमको ये जो अपने से किए ना, ये मानना पड़ता है, तो यहां लिखना पड़ेगा, माना कि भिन्न, भिन्न यानी बट्टा, अब बट्टा तो नंबर नहीं लेंगे, कोई एबीसीडी का पार्ट लेंगे, और फेमस मैथ में कौन होता है, x/y। अब यहां पे हो गया आपका, माना कि भिन्न बराबर x/y, तो डायरेक्ट लिखिए प्रश्न अनुसार, यानी कि इस प्रश्न अनुसार क्यों लिखते हैं, माने हिसाब किताब आप समझे, एग्जामिनर खुद प्रश्न को पढ़ ले, उसके बाद हम बताए हैं। प्रश्न अनुसार क्या बोला है, अंश और हर में, अंश और हर में दो जोड़ दिया जाए, तो वही बात है, अंश और हर में यानी x/y में, दोनों में अगर दो जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। अब इसको आपको सॉल्व करके समीकरण बनाना है, दो में तिरछा तिरछी, जब भी बीच में बराबर हो तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, दो में एक से तो 2x हो जाएगा, 2×2=4, ये 1 में y से तो हो जाएगा y, और ये हो जाएगा 2। अब यहां देखिए, एक जात को एक जगह कर दीजिए, एक जात का मतलब क्या है, एबीसीडी वाले को एक तरफ और नंबर को एक तरफ, तो चलिए यहां पे करते हैं 2x, ये प्लस में है इधर आएगा तो हो गया किसमें, माइनस में y, बराबर ये किसमें है, प्लस में इधर जाएगा तो 2-4, 2x - y बराबर माइनस में 2, समीकरण 1 बन गया। ठीक, अब क्या बोला, इस प्रकार नहीं, इसी प्रकार लिखिएगा, सेम टू सेम, इसी प्रकार क्या बोला है, यदि अंश और हर में, यही ना है ऊपर वाला अंश, ये ऊपर वाला को बोलते हैं हम लोग अंश, और नीचे वाला को बोलते हैं हम लोग हर, अंश और हर में 7 घटा ले, दोनों में से अगर 7 घटाओगे ना, तो 1/3 बचता है। तो यहां देखिए, अगर हम x और y में से 7 और 7 घटा लेते हैं, अब जो भी यहां नंबर होगा उसमें से 7 घटाने पर क्या है, 1/3 बचता है, जब भी बीच में बराबर हो तिरछा तिरछी गुणा, ये हो जाएगा 3x, और ये 3×7=21 बराबर ये हो जाएगा y - 7। अब नंबर को एक तरफ, अब क्या करेंगे, नंबर को एक तरफ, यहां पे एबीसीडी वाले को एक तरफ और नंबर को एक तरफ करेंगे, यहां ध्यान से समझिएगा, 3x - y, और ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस में 7, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस में 21, 3x - y। अब 21 में से जब 7 घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 14, कितना हो जाएगा, 14×7=21, ठीक है 14 हो जाएगा समीकरण, इसको क्या ले लीजिए, 2 ले लीजिए। जब समीकरण 1 आपको बाबू मिल गया, 2 मिल गया, दोनों तो मिल ही गया, यहां पे समीकरण 1 है,
यहां पे समीकरण दो है। अब इस समीकरण एक और दो से करके कटा दीजिए, खत्म हो जाएगा। तो यहां लिखिए समीकरण एक में से दो को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। समीकरण एक क्या है, 2x - y = -2, और समीकरण दो क्या है, 3x - y = 14। ये वाला क्वेश्चन है, यह ध्यान से समझिएगा। घटाने पर तो घटाइए, जहां सिंबल होता है वो बदल दिया जाता है, ठीक है, बदल दीजिए। ये प्लस माइनस कट गया, 3x में से 2x जाएगा तो 1x बचेगा माइनस में, और ये 14 और ये माइनस में, ये माइनस में, ये कितना हो जाएगा, माइनस में 16। माइनस से माइनस खत्म, x बराबर बचा आपका 16। x बराबर क्या बचा, 16। यानी जो आप बाबू x बट्टा वाई माने हैं ना, तो x बट्टा वाई तो x यानी 16 हो जाएगा। 16 बट्टा कितना होगा, यही तो पूछ रहा है कि 16 बट्टा वाई का मान निकालना है। तो x निकल गया, तो x का मान समीकरण एक में रखने पर, जब भी कोई वैल्यू निकलता है तो किसी समीकरण में भर दिया जाता है। यहां 2x - y = -2 है, ठीक। 2x क्या है, 16 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। यहां आप देखिए 2 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 2 होगा, और यहां पे सॉरी 16 है ना जी, यहां पे क्या है, 16 है। 16 दूना कितना हो जाएगा, 32। माइनस में वाई और बराबर माइनस में 2। यहां देखिए जब ये इधर भेजेगा तो माइनस वाई बराबर -2, और माइनस कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। माइनस वाई बराबर -34, वाई से वाई खत्म, वाई बराबर बचा कितना, 34। अब समझिएगा ध्यान से, पूछ रहा था कि कोई भिन्न है, भिन्न माने कोई भी ऐसा भिन्न है, वो पता ही नहीं कि कौन सा बट्टा वाला नंबर है, जिसमें से दो दो घटाइएगा ना तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो वही था, वाई बराबर क्या आया बाबू, यहां देखिए भिन्न बराबर आप माने थे, भिन्न बराबर एक्स बट्टा वाई। एक्स का मान कितना आया था, यहां देखिए एक्स का मान आया था 16 भर दिया। वाई का मान कितना आया था, तो वाई का मान ये 34 आया है, 34। तो यहां देखिए तो ये कौन सा भिन्न है, यानी 16/34 है, जिसमें से दो जोड़िएगा तो 1/2 आएगा। अब कैसे आएगा, तो बट्टा का जोड़ करना पड़ेगा यहां पे। उसी तरह यहां से 7 घटेगा तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, 16/34 वो भिन्न हो जाएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, और ये एग्जाम में आपका आएगा ही आएगा, बस नंबर चेंज हो सकता है। नंबर क्या हो सकता है, चेंज। डायरेक्ट बट्टा मानिएगा, जितना बोलेगा उतना जोड़िएगा घटाइएगा, बराबर में उसका लिख दीजिएगा, और तिरछा तिरछी गुणा करके समीकरण तैयार, दो गो समीकरण तैयार हो जाएगा, तो दोनों को घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो बिना देर किए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं और √5 एक अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या, ये नहीं पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन बनेगा कैसे, छोड़ना नहीं अथवा के चक्कर में, सब क्वेश्चन बनना चाहिए, ये दिमाग में रखिए। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहां देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय का मतलब जिसे कभी बट्टा में नहीं बदल सकते। तो देखिए किसी भी चीज को साबित करना होगा ना, तो दो तरीका है। एक तो मान लीजिए कि अगर किसी को साबित करना है कि वो लड़का है, तो सबसे पहले उनको लड़की साबित कीजिए। जब वो लड़की साबित आप उसे नहीं कर पाएंगे, तो साबित हो गया ना कि लड़का है, क्योंकि आप तो लड़की उसको साबित नहीं किए थे ना। तो यहां समझिए, सबसे पहले इसको परिमेय संख्या साबित करेंगे, साबित करते जाएंगे, खूब मेहनत करेंगे, जब परिमेय नहीं आएगा इसका मतलब वो क्या है, अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले परिमेय संख्या साबित अगर करेंगे, तो परिमेय का मतलब होता है जो बट्टा में लिखा जाए, उसे परिमेय कहते हैं। तो √3 को बट्टा में लिखना पड़ेगा ना, तो देखिए यहां लिखना पड़ेगा, माना कि √3 एक, देखिए लाइन से सीक्वेंस में लिखना है, √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने तो ये मान लिया कि ये परिमेय संख्या है, तो इसको परिमेय बनाना पड़ेगा ना, तो लिखते हैं ये बट्टा में है, तभी तो होगा, p बट्टा q के रूप में है, यहां क्या है, ये बट्टा में है। और यहां साइड में लिखिएगा p तथा q पूर्णांक है, और इसका HCF चाहे लिख सकते हो, P और Q सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। सह अभाज्य संख्या का मतलब जिसका HCF क्या आता हो, 1 आता हो, सब लिख दीजिएगा, ठीक। अब बताइए √3 बराबर पी बटा की, हमने जबरदस्ती साबित करने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है, अभी भी ये रूट में दिख रहा है कि नहीं, रूट हटा कहां, जब रूट हटेगा नहीं तब तक ये परिमेय नहीं करेगा, तो रूट को हटाएंगे, तो रूट को जब हटाएंगे तो उसके लिए स्क्वायर की जरूरत है, ये स्क्वायर से हटता है, तो स्क्वायर करेंगे यहां पे ऐसे, तो एक तरफ नहीं दोनों तरफ कोई भी काम करते हैं अपने से, तो यहां क्या लिखेंगे, देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर
क्योंकि हमको पर में बनाना है तो रूट को तो हटाना पड़ेगा ना, तो रूट हटेगा कैसे, स्क्वायर वर्ग से, वर्ग करने पर रूट को हटाइए, रूट थ्री यहाँ पे हो जाएगा बराबर ये पी बट्टा क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो बचेगा कितना थ्री, और बराबर पी ये हो जाएगा पी का स्क्वायर, अलग अलग अपना ले लेगा और ये हो जाएगा क्यू का स्क्वायर, जब भी बीच में बराबर हो तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो थ्री क्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्यू चला गया तो तीन को नीचे भेज दीजिए, क्यू स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर बट्टा तीन, हाँ यही तो मामला फंसता है। अभी आप बोले हैं HCF का मतलब होता है कि अगर ये दोनों संख्या का भाग HCF निकाले तो एक करना चाहिए, यानी ये भी एक से सिर्फ कटना चाहिए और Q भी वन से कटना चाहिए, अगर दूसरे कोई भी नंबर इसके नीचे आ रहा है तो समझिए कि वो अपरिमेय संख्या है। तो यहां देखिए तो यहां क्या आ रहा है, तीन आ रहा है, जबकि इसका HCF कितना आना चाहिए, एक करना चाहिए, सिर्फ नीचे एक रह सकता है, तो ये तीन से कट रहा है तो फिर मामला गड़बड़ है, तो यहां लिखना पड़ेगा पी स्क्वायर को तीन विभाजित करता है, क्या करता है विभाजित करता है, ठीक, और फिर लिखना पड़ेगा P को तीन विभाजित करता है। अब ये दोनों क्यों लिखेंगे, अरे क्यों क्या लिखेंगे, आप खुद देखिए यहां कोई नंबर आता मान लीजिए तीन रहता, तीन का स्क्वायर बट्टा तीन, तो तीन तरीके कितना हो जाता है नौ बट्टा तीन, ये कट जाता कि नहीं, यानी तीन का तीन से भाग लग जाता, अगर स्क्वायर हटा दे तो भी तो ये कट जाएगा, हम लोग को पूर्ण रूप से चेक करना है यहाँ पे क्या कि पी स्क्वायर किससे किससे कट रहा है, रूल के हिसाब से अगर पी और क्यू बट्टा परिमेय संख्या अपरिमेय है ना, यानी परिमेय माने हैं तो ये सिर्फ एक से कटना चाहिए, लेकिन यहाँ तीन से दोनों बार कट जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ कट जा रहा है ना तो यहाँ लिखेंगे पी बराबर सेम टू सेम उतारेंगे तीन लिखेंगे और यहाँ के मानेंगे और यहाँ लिखेंगे के एक पूर्णांक है, कोई भी पूरा अंक है पूर्णांक है, इतना चीज आपको करना है, समझ में। और जब ये करना है ना तो फिर इसके बाद वाला कंडीशन देखिए, ये चीज यहाँ उतार दीजिए और देखिए दोनों तरफ फिर वर्ग कीजिएगा, देखिए ये दो बार काम करना है इस कंडीशन में, यहाँ तक बन जाएगा तो यही P लिखना है, यहाँ थ्री लिखना है, दिमाग में बैठाइए और अपने से एक K डाल देना है, फिर इसका स्क्वायर करना है, एक ही चीज दो स्टेप करना है, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है, तो दोनों तरफ क्या कीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कीजिए पी स्क्वायर बराबर, इधर वर्ग कीजिएगा तो हो जाएगा थ्री के स्क्वायर, ठीक। अब ये हो जाएगा पी स्क्वायर तीन तरीके कितना हो जाएगा नौ के स्क्वायर, ठीक, इतना समझ में आया। अब पी स्क्वायर बराबर यहां पे देखिए थ्री के स्क्वायर हो गया, हाँ यहां देखिए पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर बराबर यहां कुछ वैल्यू दिया है पी स्क्वायर बराबर थ्री क्यू स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर की जगह पे लिखिएगा थ्री क्यू स्क्वायर बराबर नाइन के स्क्वायर, ये कटाइएगा तो हो जाएगा तीन थ्री का नौ क्यू स्क्वायर बराबर थ्री के स्क्वायर, अब थ्री को बट्टा में भेजिए तो क्यू स्क्वायर बट्टा तीन बराबर के स्क्वायर। अब देखिए एक बार पी स्क्वायर के नीचे तीन आया, एक बार क्यू स्क्वायर के नीचे आया, हम बार बार साबित करना चाहते हैं कि नीचे यानी ये सिर्फ एक से कट सकता है, ये दोनों का HCF सिर्फ वन हो सकता है, तो दोनों में तीन आ गया, उल्टा जा रहा है कि नहीं, हमको लाना है क्या परिमेय, अपरिमेय साबित करना है, हम साबित कर रहे हैं इसे क्या परिमेय साबित करें, यानी बट्टा में साबित हो जाए, तो नीचे बार बार तीन आते जा रहा है, तो यहां लिखेंगे क्या फिर यही लैंग्वेज पी स्क्वायर था किससे भाग दे रहे हो तीन से नीचे, बट्टा में तीन है तो तीन से ना भाग लग रहा है, तो यहां क्या है क्यू स्क्वायर ऊपर, तो क्यू स्क्वायर को तीन से भाग दे रहे हो, क्यू स्क्वायर को तीन क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है, अब स्क्वायर भी हटा दोगे तो क्यू को भी तीन विभाजित करेगा, लिख सकते वैसे लैंग्वेज अपने हाथ में बनाना है जैसे आप बना दो। अब देखिए हमारा HCF वन आना चाहिए जबकि यहाँ बार बार तीन से कट रहा है, तो यहाँ लिखेंगे कि P तथा Q का HCF वन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि P तथा Q क्या है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य अभाज्य संख्या है, ठीक है, अतः हमारा मानना गलत है कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, कौन संख्या यहां लिख लीजिएगा परिमेय संख्या, इसीलिए
रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहां वन से सिर्फ कटना चाहिए तो ये तीन से कट रहा है, तो तीन से कट रहा है इसका मतलब कि परिमेय नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन बाबू हर बार पूछता है, मैथ का एग्जाम दो और ये क्वेश्चन ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अच्छा आप बताइए कि शादी ब्याह में दूल्हा नहीं है तो ब्याह हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, वैसे ही मैथ का एग्जाम और रूट थ्री ना पूछे ऐसा नहीं हो सकता है, तो ये हर बार पूछता है, ये लिख लीजिए ठीक है। तो बिना देर किए मस्ट वीवी एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके पांच नंबर वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हर हाल में आएगा। ये अनुकूल और प्रतिकूल वाला जो होता है ना, धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अनुकूल का मतलब होता है मान लीजिए कि एक नदी में पानी बह रहा है और उसी के साथों साथ नाव बह रहा है, तो साथों साथ को अनुकूल कहते हैं। और मान लीजिए इधर से पानी बह रहा है, ये मत समझ रहे हैं ना, पूरा दिल है पानी पानी, और उल्टा नाव चल रही है ठीक है, तो ये प्रतिकूल बोलते हैं। जब उल्टा चलेगी तो प्रतिकूल, तो आप खुद सोच के देखिए कि अनुकूल चलेगी तो उसमें दो बड़ा आसानी से वो पहुंच जाएगी, एक तो कुछ पानी का स्पीड रहेगा, कुछ स्पीड बहेगा ना जी, और एक आप नाव जो चला रहे हैं उसका स्पीड रहेगा, तो दोनों का स्पीड मिल करके जाएगा ठीक। लेकिन इसमें क्या होता है, इधर नाव चल रही है 20 किलोमीटर के स्पीड से, इधर से 5 किलोमीटर के स्पीड से पानी आ रहा है तो रोक देगा, तो इसका स्पीड 15 हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए 20 आदमी इधर से जा रहे हैं, 5 आदमी इधर से आ रहे हैं ठीक है, तो 5 आदमी से 5 आदमी टकरा के खत्म हो जाएंगे, अब बच गए 15 आदमी, तो इसका 15 आदमी आगे निकल जाएंगे, तो नाव का इधर से स्पीड हो जाएगा 15। लेकिन वही अगर 20 किलोमीटर नाव चल रही है इधर से प्रति घंटा और 5 किलोमीटर पानी चल रहा है, तो दोनों का स्पीड मिला करके 25 किलोमीटर हो जाएगा। तो अनुकूल में जोड़ा जाता है, प्रतिकूल में घटाया जाता है धारा के स्पीड को, समझ गए। यहां पे वही क्वेश्चन है, निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में, धारा के साथों साथ 2 घंटे में, यानी ये निशा जो है छुट्टियां दिखाई दे रही है ना, ये धारा के साथों साथ 2 घंटे में 20 किलोमीटर यहां तक पहुंच गई, ये मान लीजिए कि पूरा 20 किलोमीटर है ठीक, ये 20 किलोमीटर चल गई। अब यहां से इसको जाना है 2 घंटा में ही, तो पता चला कि 2 घंटा में मात्र 4 किलोमीटर ही आई, इसका मतलब कि इधर से पानी बड़ी तेज है, तो वही पूछा है कि पानी की चाल बताइए, ये जो निशा चली है ना, यानी धारा की चाल भी बोलते हैं पानी की चाल को, उसका स्पीड कितना रहा है कि 4 किलोमीटर आ गए, यानी कि पानी की चाल और यहाँ पे जो चली है तो तैरने की चाल, वो बताना है दोनों। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, माना कि निशा की चाल, यानी कि पानी में निशा की चाल कितना का, स्थिर जल में लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते माना कि स्थिर जल में निशा की चाल, यानी निशा तैर रही है ना, तो निशा की चाल भी लिख सकते हो ठीक है, एक्स मान लो एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, तथा स्थिर जल की चाल, स्थिर धारा या जल लिखो, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के अनुकूल चलोगे तो उसमें जोड़ेंगे, प्रतिकूल चलोगे तो घटाएंगे। यहां देखिए, यहां ऐसे लिखते हैं, धारा के अनुकूल, यानी कि धारा भी चलेगी साथ साथ और उसी साथ साथ निशा भी चलेगी, तो ये दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों स्पीड मिल के बढ़ेगा। धारा के अनुकूल निशा की चाल कितना हो जाएगा, x प्लस वाई ठीक, और यही लिखेंगे धारा के प्रतिकूल निशा की चाल x माइनस वाई, और डायरेक्ट लिखिए प्रश्न से, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, प्रश्न से। अब बताइए जब अनुकूल चली है 2 घंटा तो 20 किलोमीटर गई है, यानी समय लगा है 2 घंटा 20 किलोमीटर गई है, क्योंकि धारा भी साथ साथ है प्लस में और उसके साथ साथ निशा भी अपना ताकत लगा रही है, तो यहां डायरेक्ट लिखिए प्रश्न से, यहां समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, डायरेक्ट भरिए ठीक है। यहां देखिए तो समय कितना है 2 घंटा, दूरी कितना लगा है, दूरी जाना है 20 किलोमीटर और ये धारा के अनुकूल x प्लस वाई हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा या कटा दीजिए, 2 एकम 2 और 2 2 दहिया 20 हो जाएगा ठीक है, ऐसे कट जाएगा, ये तिरछा तिरछी गुणा x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1। इसी प्रकार ठीक है, इसी प्रकार क्या लिखेगा, ये तो हो गया समय धारा के अनुकूल वाला बात, धारा के प्रतिकूल लगा समय, धारा के प्रतिकूल क्या हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल
लगा समय तो 2 ही घंटा लगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे में चाल होता है, ठीक है। समय कितना लगा है 2 घंटा, और यहां देखिए जब ये 2 घंटा लगा है दूरी कितना गया है 4 किलोमीटर। जब प्रतिकूल वाला दूरी देखिए, अब मान लीजिए कि उल्टा जब तैरेगी तो 2 घंटा में मात्र 4 किलोमीटर गई है, कितना तो ये हो जाएगा 4, और चाल कितना है उसका तो भाई कम चलेगा ना, x माइनस में y, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 63 गुणा कीजिएगा तो बाबू कितना होगा, यहाँ देखिए x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2, समीकरण ये हो गया 2, ठीक है। समीकरण 1 मिल गया आपका ये, और समीकरण 2 मिल गया आपका ये। अब यहाँ देख लीजिए समीकरण 1 और 2 को बस जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा समीकरण 1 प्लस 2। और आपको कैसे लिखना है समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्योंकि जब लिखावट अच्छा रहेगा ना तो एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा, अगर गड़बड़ लिखिएगा उसको आंसर समझ में नहीं आएगा, वो आपको नंबर समझ में नहीं आएगा, इसलिए अच्छा से बाबू लिखिएगा। यहाँ देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिख दीजिएगा, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 2, यहाँ पे जोड़ने पर ये कट जाता है, घटाने पर ही सिंबल बदलता है, जोड़ने पर नहीं। ये हो जाएगा आपका 2x, और ये 10 और 2 12, ये हो जाएगा 2 × 12 x बराबर 6। यहाँ देखिए तो स्थिर जल में निशा की चाल 6 किलोमीटर है, x बराबर कितना है, x का मान आ गया 6 किलोमीटर है, और x का मान कहीं ले जाकर भर दीजिए समीकरण 1 या 2 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस y बराबर 10, y बराबर हो जाएगा 10 − 6 = 4, y बराबर क्या आ गया 4। जब यहाँ y बराबर बाबू 4 आ गया तो समझिएगा ध्यान से, तो यहाँ देखिए निशा के चाल को x माने और धारा की चाल को y माने, तो पानी बहेगा इधर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कितना आया है, ये आया है 4 और ये आया है 6, और निशा चलेगी कितना के स्पीड से 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों को मिला के 10 के हिसाब से चल रहा है, लो समझ में आ गया। लेकिन अगर निशा इधर से 6 से चले और पानी इधर उधर से 6 से चले, और जैसे पानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर दबाव दे रही हो तो 4 से 4 तो टकरा जाएगा, बच गया उधर का 2 किलोमीटर ताकत एक्स्ट्रा है, तो उसका स्पीड कम होगा, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगी। तो यहां पे हो जाएगा निशा की चाल, निशा की चाल नीचे लिख दीजिएगा। अब आपको कैसे लिखना है कि स्थिर जल में निशा की चाल, अच्छा से लिखिएगा आप 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां लिखिएगा स्थिर जल की चाल, क्या लिखिएगा स्थिर जल की चाल, और यहां लिखिएगा धारा की चाल, क्या लिखिएगा धारा की चाल, ये याद कर लीजिए धारा की चाल क्या होगा, तो धारा की चाल y माने हो ना, धारा की चाल यहां पे धारा की चाल, एक मिनट, यहां स्थिर नहीं होगा धारा की चाल ना होगा स्थिर। अब धारा की चाल का मतलब क्या, धारा वहां रुका थोड़े है, धारा की चाल हो जाएगा y, और y बराबर कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा बाबू, रट लीजिए इसको, जैसे ही पेपर खोलिएगा जाकर के 14 तारीख को वैलेंटाइन डे नहीं मनाइएगा उस दिन, ठीक है, उस दिन जाकर मैथ का एग्जाम देना है, तो उस दिन पेपर खोलिएगा ना डायरेक्ट इसी आधार पर क्वेश्चन या फिर यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको रट लीजिए कि धारा के अनुकूल रहेगा तो चाल को जोड़ेंगे, प्रतिकूल रहे तो घटाएंगे, और समय का फॉर्मूला लगाएंगे फिर आंसर पाएंगे, ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो हम लोग बिना देर किए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन मस्ट वीवीआई है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, यानी कि 5 से 6 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हम ज्यादा गेस नहीं करा रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग पे ऑलरेडी बहुत सारा प्रेशर होगा, बहुत सारे टीचर प्रेशर डाल चुके होंगे कि बाप रे बाप एग्जाम ये होने वाला, देखो कॉन्फिडेंस लाओ, ज्यादा क्वेश्चन मत पढ़ो, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लो बाबू, आपका नंबर बेहतर आ गया। कितना लाना चाहते हैं यार, 97, 98, 100 में सब आएगा ना, पूरा का पूरा वीडियो अभी जो आपका 3 घंटा का पूरा मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड हुआ है उसको एक बार देख लो ना, पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, पूरा उसमें फॉर्मूला का निचोड़ बताया गया है, आप अपलोडेड वीडियो एक ही वीडियो में पूरा मैथ बताया गया है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूरा बता दिया गया, एक बार वीडियो देखो पूरा टेंशन खत्म और फ्री माइंड होकर एग्जाम देने जाओ, लेकिन उसको देखना मत भूलो। यहां क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 2-3 बार पूछा गया इस क्वेश्चन, तो इसको गौर से देखते हैं, इतना बराबर हमको यह साबित करना है या फिर इसी से चल के यह साबित करना है, दोनों ये वाला साबित करना है, ये 2 बार पूछा जा चुका है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं, हम लोग LHS से चलेंगे RHS ला देंगे, इसको बनाते चलेंगे, तो हम लोग चल रहे हैं कहां से, LHS से लेफ्ट हैंड से चलते हैं, यहां tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा
कॉस थीटा, ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बार बार लगता है, बट्टा वन माइनस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा, बट्टा में क्या होता है साइन थीटा, इतना समझ आया। प्लस है तो प्लस डाल दीजिएगा, यहाँ लिखा है कॉट तो कॉट होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, और बट्टा वन माइनस टेन थीटा होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। हमको लाना क्या है, टेन और कॉट और वन लाना है, बाद में ये भी साबित हो जाएगा, पहले ये बना लेते हैं हम। ठीक, यहाँ देखिए बट्टा एक मान के बट्टा का घटाव कर लीजिए, यहाँ ऊपर लिखिए साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख दीजिए, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा और बट्टा, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा साइन थीटा, और इसका बट्टा का जब घटाव कीजिएगा ना तो होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस डाल दीजिएगा, वैसे ही ये उतार दीजिए कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, फिर इसको बट्टा का घटाव कीजिएगा ना तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बट्टा वन, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इतना आपको जरूर समझ में आया होगा। अब यहाँ देखिए एक दो तीन चार नंबर समझिए, तो एक तरह से चार ये चीज बट्टा में है, तो एक रूल होता है ऊपर नीचे ऊपर, यानी ऊपर और नीचे दोनों ऊपर और बीचे बीचे नीचे हो जाएगा, यानी ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ऊपर चला जाएगा, तो ये दोनों ऊपर जाएगा तो साइन और साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, दो हो जाएगा ना, और ये दोनों बीच वाला नीचे तो हो जाएगा कॉस इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये दोनों बीच वाला साथ में हो गया, ये और ये प्लस सेम टू सेम, ये भी कॉस, ये भी कॉस, ये भी चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा, ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब मामला यहाँ जाके फंस जाएगा, आप सब बनाइएगा एग्जाम में फंस जाएगा, तो यहाँ फंसेगा इसीलिए बता रहे हैं, ये आपको लग रहा हो कि ये और ये सेम है, लेकिन बाबू ये सेम नहीं है। अब पूछिएगा कैसे सेम नहीं है, तो यहाँ देखिए पहले क्या है साइन है, बाद में कॉस है, इसमें पहले ही कॉस दे दिया गया, तो एक उपाय है ना, इसमें से माइनस निकाल लोगे ना, माने माइनस कॉमन ले लोगे या माइनस से गुणा कर दोगे तो सिंबल बदल जाएगा, माइनस एक पनौती सिंबल है, जो भी लग जाएगा निकल जाएगा पूरे सिंबल को बदल देगा, तो दोनों को सेम बनाने की कोशिश किया जाता है। तो यहां साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जब इस दोनों को सेम बनाना हो तो यहाँ कॉस प्लस में है और यहाँ कॉस माइनस में है, अलग अलग सिंबल है कि नहीं, तो ये काम करते हैं इसी प्लस को बदल देते हैं, जब ये प्लस माइनस हो जाएगा तो ये अपने से चेंज हो जाएगा, माइनस में गुणा, जबकि यहाँ माइनस होगा और माइनस में गुणा होगा तो ये सिंबल खुद से चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, और ये कॉस जब साइन प्लस में हो जाएगा तो इसको आगे लिख दिया जाता है, ये माइनस में हो गया तो इसको पीछे लिख दिया जाता है। ठीक, अब ये दोनों क्या हो गया, सेम टू सेम दिखने लगा, यहाँ पे सिंबल बदला, अब बट्टा का घटाव की तरह दिख रहा है ना, कर लो बट्टा का घटाव सिंपल, यहाँ देखिए ये दोनों का जब एलसीएम निकालिएगा ना तो देखिए ये तो दोनों सेम है एक ही जैसा, तो ये लिख दोगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन बाबू ये तो सेम नहीं है ना, तो इसको हम लोग गुणा में लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब चलते हैं भाग देने, कहा जाता है कि एलसीएम में इससे भाग देंगे तो इससे ये कट गया और कॉस से कॉस कट गया तो बच गया साइन, और ऊपर है साइन का पावर दो तो टोटल हो जाएगा साइन थ्री थीटा और माइनस, यहाँ देखिए जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, इससे ये कटेगा, साइन से साइन कटेगा, कॉस बचेगा, कॉस में कॉस स्क्वायर से तो कॉस का पावर तीन थीटा, इतना हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया कि ये कैसे बना। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू एक फार्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला होता क्या है तो समझिएगा, ये वाला हमको लाना है ना, ध्यान रखिएगा ये लाना है, तो ए क्यू माइनस होता है ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ए मान लिया जाए इसको, इसको बी मान लिया जाए, तो ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी, फिर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर। ठीक, और बट्टा है तो बट्टा, और इसको ऐसे ही उतार दो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना कर सकते हो ना। अब ये जो सेम टू सेम है उससे काट सकते हैं, इससे ये खत्म हो गया, खत्म हो गया, बच क्या गया, बच गया ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब बट्टा में हो गया कॉस थीटा इंटू
साइन थीटा। हमको लाना क्या है, कहिएगा तो यहीं से सब कुछ बाबू आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, दोनों यहीं से आ सकता है। बनाने के लिए देखिए, ये पूछेगा, ये पूछेगा, यानी कि ये क्वेश्चन हर हाल में पूछेगा, रट लो इसको, क्योंकि ये 3-4 साल पूछा गया है लगातार, तो ये पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि इसके पिछले साल नहीं पूछा है, तो इस बार चांसेस बनता है, और यहीं से बनेगा ये भी और ये भी। पहले ये लाते हैं, देखिए, चलिए, सबका बट्टा ना ये वाला है, देखिएगा, सबका बट्टा क्या है, कॉस थीटा और साइन थीटा है, तो पहले साइन का बट्टा करो, साइन स्क्वायर थीटा का अलग अलग तोड़ते हैं, अलग अलग क्या करते हैं, तीन हिस्सा में है ना, तीन हिस्सा में तोड़ते हैं, और तीनों हिस्सा का बट्टा ये है, तो ये वाला हो जाएगा एक बार इसके साथ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस है तो प्लस, एक बार इसके साथ ऊपर क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी एक बार ये इनके साथ, फिर इनके साथ, फिर इनके साथ, ठीक है, उसके बाद से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए, एक वो साइन से एक वो साइन खत्म, बच गया साइन और कॉस, साइन बट्टा कॉस क्या होता है, टेन थीटा, प्लस इससे ये पूरा कट गया तो बच गया वन, अब प्लस कॉस से एक वो कॉस कट गया तो बच गया क्या, कॉस बट्टा साइन बचे, क्योंकि यहाँ दो वो कॉस है, यहाँ एक कॉस है, तो ये जब कट गया स्क्वायर से तो कॉस बट्टा साइन होता है कॉट थीटा, आ गया कि नहीं। अब इसको सजा के लिख दिया गया है, सजा के कैसे लिखा है, वन वन को आगे कर दिया है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, आर एच एस, ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया कि नहीं, यानी कि यहां से हम क्या किए, अलग अलग बांट दिए, ये प्रूव्ड हो जाता है। अब कहिएगा सर ये कैसे आएगा, ये यहीं से आएगा, और कहीं से नहीं आएगा, ये यहीं से आएगा, देखिएगा कैसे आएगा, यहां समझिएगा, ये इतना आपको समझ में आए, हम क्या किए हैं, अलग अलग बांट दिए हैं, क्या किए हैं बाबू, अलग अलग, आज जब कटाए हैं तो हमको ये वाला आंसर मिल गया, अब हमको लाना है ये वाला, यहीं पे से, यहीं से आ जाएगा, देखिएगा कैसे। चलिए, साइन स्क्वायर थीटा हम यहीं से डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब इसको आपको नहीं देखना है, ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला ला रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, प्लस उसके बाद से क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब बट्टा, नीचे क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा या कॉस थीटा, दोनों बात एक ही है, अब एक बार एक के साथ रखो, एक बार इसके साथ रखो, तो हो जाएगा यहाँ पे वन बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, एक बार इसके साथ रखो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हो गया, ये देखिए, अब देखिए तो एक बट्टा साइन थीटा क्या होता है, कॉस सेक थीटा, फिर एक बट्टा कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, अब प्लस ये कटेगा एक जैसे है तो एक बार में आ जाएगा, तो ये वाला आ गया आपका आंसर, तो ये भी आपका आ गया सेम टू, अब सेम टू सेम का मतलब क्या, ये दोनों साथ में है ना, वन है ना, तो ये भी आ गया और आपका ये भी आ गया, तो यहीं से चेंजिंग करना है, जब ये अलग अलग कर दोगे तो टेन आएगा, ये दोनों मिला के वन कर दोगे, फिर अलग अलग कर दोगे तो ये वाला आ जाएगा, तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला समझ में आया होगा, लगा हो शानदार, तो एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रट लीजिए, रट के जाइए ना, ये क्वेश्चन जितना बताया ना, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यानी 5-6 क्वेश्चन ही 20 नंबर का आपका है, और ये डायरेक्ट लड़ता है, पिछला वाला वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, बच्चा कमेंट कैसे किया था कि सर थोड़ा देर पहले देख कर गए होते ना तो पक्का पूरा बना के आते, क्योंकि हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताते, लेकिन जो बताएंगे वो आएगा, अब ये जिस तरह से समझ लीजिए कि हम कैसे सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन बाबू आएगा ही आएगा, ये क्वेश्चन इस बार आने का 100% चांसेस बनता है। लगा हो वीडियो शानदार तो शेयर करो बार बार, और सबको मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट बाबू, और हम लोग शाम को 4 बजे मिलेंगे लाइव क्लास में, क्योंकि लाइव क्लास देखना मत भूलिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा मस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकाला गया है, और वो क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो पूरा का पूरा 50 ऑब्जेक्टिव आपका सही होगा, और 5 नंबर वाला पूरा सही होगा, आपका 95-97 नंबर आएगा ही आएगा मेरे बाबू, टेंशन मत लीजिएगा, मिलेंगे हम लोग लाइव क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।